जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। पंचायत भवन झाझा से लाई मारवाड़ी युवा मंच, जो जाना जाता है मानव सेवा के लिए। आज चौथा चरण है जो कोविड 19 के खिलाफ पूरे भारत में जंग चल रही है। ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच अपनी पूरी कमर कसकर गरीबों की मदद के लिए जुटा हुआ है। हमारे साथ सीताराम पोद्दार जुड़ रहे हैं। मैं इनसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि आज जो युवा हैं मारवाड़ी युवा, तमाम गरीबों की मदद के लिए सीताराम बाबू गांव गांव जाकर अन्न का वितरण कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लॉकडाउन की घोषणा की, तब से ही हम लोगों के दिमाग में ये चिंता आ गई थी कि जो गरीब तबका है उसका भरण पोषण कैसे होगा। उसी समय से हम लोगों ने इस पर चिंतन शुरू किया और ये कार्यक्रम शुरू करने का 2 दिन जरूर लगा हमें, लेकिन हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करके इसको तैयार किया। गरीबों तक गरीबों तक हम सुदूर देहात में जाते हैं जहाँ लोग बाजार नहीं आ सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वैसे लोगों को हमारा उद्देश्य है कि हम ये राहत पहुँचाए। तमाम युवा मारवाड़ी युवा मंच के गांव गांव जा रहे हैं, क्या शुभकामना दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद? मैं तो तहे दिल से इनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी उम्र इन लोगों को लग जाए सेवा करते करते। थैंक यू सर, समझे? और देश की सेवा में ये लोग समर्पित रहें, ये मेरा आशीर्वाद भी है, मनोकामना भी है, और सब आप लोग जो शुभचिंतक हैं वो लोग भी इनको शुभकामना दें ताकि इनका मनोबल बना रहे। थैंक यू सर। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मारवाड़ी युवा मंच शुरू से ही जो सेवा का काम करते आ रहा है उसमें एक ये कड़ी भी उन लोगों ने शामिल की है, ये बहुत बहुत सराहनीय काम है। और ये हमारे कलकत्ता का जो चैरिटी ट्रस्ट है कमला डालमिया, इन्होंने भी सहयोग दिया है। हमारे पास और भी बहुत लोगों का ऑफर आ रहा है, हम लोग उसको लेकर के और लगातार हम जहाँ तक प्रयास होगा हम गरीबों को मरने नहीं देंगे। थैंक यू सर, हमारा ये प्रयास रहेगा। युवा शक्ति, ये तमाम जो सदस्य देख रहे हैं, दर्शकों, सारे लोग मारवाड़ी युवा मंच के हैं और जो अभिभावक हैं सीताराम पोद्दार, इनका आशीर्वाद आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है कि हमारे मारवाड़ी युवा मंच के लोग इसी तरफ मानव सेवा समाज सेवा करते रहें।